नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। यहां से लगभग अगर कोई हमें 2 या 2.5 साल पहले ये कहता कि यूएस के पास भी हथियार खत्म होते हैं या एक लिमिट से कम हो जाते हैं, तो शायद हम नहीं मानते। और हमारे नहीं मानने के पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि यूएस के पास दुनिया के बेहतरीन वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है और साथ में दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी भी यूएस इकॉनमी है। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कारण है, लेकिन बीते कुछ महीनों में ऐसा देखने को मिल रहा कि खास करके वेपन्स मामले में जितने भी जो प्रॉमिसेस किए गए थे यूक्रेन के साथ यूएस के द्वारा, उन सभी प्रॉमिसेस को फुलफिल करने में यूएस असमर्थ महसूस कर रहा, या इनफैक्ट इनके जो पेंटागन है वो भी अब मना कर रहे हैं कि आप यूक्रेन को बहुत ही सोच समझ के वेपन्स दें। इन सारे प्रोसेस में अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि यूक्रेन सबसे बड़ा बेवकूफ बन के निकला है। और जिस दिन भी ये रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर समाप्त होगा, उस दिन व्लादिमीर पुतिन का जो ग्लोबल इमेज है वो पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग ये होंगे, जो कि डेफिनेटली यूएस कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे बात सिर्फ रशिया यूक्रेन या यूएस यूक्रेन के बीच का नहीं है, बल्कि हमारे लिए भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जब तक कि हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन इन हाउस नहीं करेंगे, तो इसका यही मतलब होता है कि हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। रशिया इस वॉर को सर्वाइव इसीलिए कर रहा क्योंकि बहुत सारे चीजों के ऊपर रशिया का कंप्लीट तरीके से मोनोपोली है। और खास करके अगर हम वेपन्स के मामले में बात करें तो रशिया बहुत हद तक इंडिपेंडेंट है, और समय के साथ रशिया और यूक्रेन का वॉर काफी लंबा हो गया, तो इसीलिए जो यूक्रेन के ऊपर ट्रस्ट था यूरोपियन कंट्रीज का, वो अब कहीं ना कहीं घटता हुआ दिख रहा। और उसके बाद एक जो सबसे बड़ा मेजर चेंज देखने को मिला है, वो देखने को मिला है 7 अक्टूबर 2023 के बाद से। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि यूएस कंप्लीट तरीके से इग्नोर कर दिया है यूक्रेन को, और क्योंकि यूएस इग्नोर कर दिया है यूक्रेन को, इसीलिए और भी जो यूरोपियन कंट्रीज थे, खास करके जर्मनी, वो भी अब इनके तरफ देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। और साथ में उनके देश के भी जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, वो भी उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम एक ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा हैं, तो जहां पे आप बहुत दिनों तक एक दूसरे के साथ व्यापार को बंद नहीं कर सकते हैं। यूएसए में जितने भी डिफेंस रिलेटेड मैटर डिस्कस होते हैं या एक्शंस लिए जाते हैं, वो पेंटागन हाउस से ही लिए जाते हैं। और पेंटागन हाउस का ही ये कहना है कि अब हमारे पास उस हिसाब से खास करके 155 mm एम्यूनेशन नहीं है जैसा कि हमारे पास लगभग 2-2.5 साल पहले हुआ करता था। इस बीच अगर आप न्यूज आर्टिकल्स वगैरह को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ के ऐसा मालूम पड़ेगा कि यूएस के द्वारा बहुत सारे प्रॉमिसेस किए गए हैं बढ़ चढ़ कर, लेकिन जब उन सब प्रॉमिसेस को डिलीवर करने का वक्त आया तो मुश्किल से मुश्किल जो अनाउंसमेंट किए गए थे उसका कुछ लगभग 10% के आसपास फुलफिल किया गया है। चाहे आप फाइटर जेट F-16 की बात कर ले या किसी और भी तरीके का वेपन्स की आप बात कर ले। देखिए, भले ये हो सकता है कि यूक्रेन के पास, एक अजम्पशन बता रहे हैं कि 20 उनके पास F-16 फाइटर जेट्स होगा, लेकिन इस फाइटर जेट को ऑपरेट करने के लिए आपके पास बेहतरीन पायलट्स होने चाहिए। और एक पायलट बेहतरीन तभी बनता है जब एक सफिशिएंट नंबर ऑफ आवर्स जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद एक रियल वॉर में उतरना और एक रियल वॉर में परफॉर्म करना वर्सेस एक ट्रेनिंग टाइम में परफॉर्म करना, दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं। जहां तक बात किया जाए रशियन आर्मी का, तो यहां पे कहने की जरूरत नहीं है कि रशियन आर्मी एक बहुत ही स्ट्रांग आर्मी है, जिनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस हैं और वॉर की क्षमता है, प्लस इनके पास एक्सपीरियंस भी है। बीते कुछ महीनों में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ये बढ़ चढ़ कर कह रहे हैं कि जो उनको प्रॉमिसेस किए गए थे बाय वेस्टर्न कंट्रीज, उन सब प्रॉमिसेस को फुलफिल नहीं किया जा रहा, जिसके कारण कि इनके जो फोर्सेस है वो लगातार पीछे आ रहे हैं। और जहां तक बात किया जाए यूएस के बारे में, तो यूएस भी अब लग रहा कि वो यूक्रेन में कंप्लीट तरीके से डिसइंटरेस्टेड हो चुका है। ये हमारे सामने CNN का आर्टिकल है। और जब भी कोई देश ग्राउंड इन्वेजन करता है तो उस वक्त जो सबसे अधिक रिक्वायरमेंट होता है वो होता है 155 mm एम्यूनेशन का, जहां पे 7 अक्टूबर के बाद जिस तरीके से इसके पहले यूक्रेन को 155 एम्यूनेशंस मिल रहे थे, क्योंकि अब यूएस इसराइल को भेजना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसराइल ऑलरेडी हिजबुल्ला या लेबनान कहले या बहुत हद तक जिस तरीके से गजा में वो बॉम्बार्डमेंट किया है, तो वहां पे जो प्राइमरीली इस्तेमाल किया गया वो 155 mm एम्यूनेशंस ही किया गया है। तो इसके वजह से भी क्या हुआ कि यूएस को दो देशों को मैनेज करना पड़ रहा था, और जहां पे यूएस के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रेशर था ज्यूइश लॉबी के द्वारा, जहां पे एक बहुत बड़ा जो हिस्सा था उसको कट कर दिया गया यूक्रेन के हिस्से का, और उसको फिर भेजना शुरू कर दिया गया इसराइल को। अगर आप इसी आर्टिकल का दूसरे लाइन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर शुरू नहीं हुआ था तो 155 mm एम्यूनेशन जो था वो यूएस एक महीना में 15,000 बनाया करता था, लेकिन कुछ
फैक्ट्रीज को डाले गए, उसके बाद जो मंथली प्रोडक्शन था वो कुछ पहुंच जाता है 40,000 के आसपास एक महीने में। लेकिन जिस तरीके से अभी सिचुएशन बदला है उसके हिसाब से कम 100,000 शेल्स चाहिए या प्रोड्यूस करना चाहिए यूएस को एक महीने में, जो कि किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद आज के डेट में जो ड्रोन हो गया या जो पैट्रियट मिसाइल्स वगैरह हो गए या जो एयर डिफेंस सिस्टम में जो एम्यूनेशन वगैरह लगते हैं, उन सब का रिक्वायरमेंट्स अभी काफी बढ़ गया है। तो जब आप शेल्स वगैरह बनाते हैं तो इसको बनाना इतना आसान नहीं होता है। कहने का मतलब है कि किसी भी चीज के प्रोडक्शन में कुछ एक वक्त तो लगता ही है, और उसके बाद आप चाहे जितना भी ऑटोमेशन का सहारा ले ले, कुछ एक सेगमेंट तो आपको मैनुअल तरीके से काम करवाना ही पड़ता है। तो जब आप किसी भी चीज को एक मैनुअल तरीके से काम करेंगे या करवाएंगे तो वहां पे एक्सपीरियंस बहुत हद तक मैटर करता ही करता है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए यूएस अब उस हिसाब से एमिनेशंस को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा जितना फिलहाल डिमांड है। रिसेंटली हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है जहां पे ये ओपनली कहते हैं कि डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस सैंक्शंस यूरोपियन कंट्रीज जो है वो आज भी रशिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं। और जब ये वॉर शुरू नहीं हुआ था तो कुछ देश या कुछ लीडर्स बड़े आइडियलिस्टिक तरीके से बातें कर रहे थे, लेकिन आज के डेट में जितने भी जो आइडियलिस्टिक लीडर्स थे वो कहीं ना कहीं रशिया के साथ बिजनेस करने को वो प्रमोट कर रहे हैं। और साथ में जो सबसे इंटरेस्टिंग लाइन कहा जाता है इनके द्वारा वो ये कहा जाता है कि यूएसए और अदर कंट्रीज के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि अगर हम कोई काम करते हैं तो उस चीज को हम बहुत ही ऑनेस्टली और बहुत ही ओपन तरीके से एडमिट करते हैं, जहां पे यूएसए ऐसा नहीं करता है। ये स्टेटमेंट अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, खास करके अगर हंगरी जैसे देश यूएस के बारे में कुछ कहता है तो। और उसके बाद क्या है ना कि हर देश का एक अपना इंटरेस्ट होता है, उसका एक अपना रिक्वायरमेंट होता है। ये हो सकता है कि यूएस के किसी देश के साथ संबंध अच्छे ना हो, लेकिन यूएस के चक्कर में अगर कोई और देश अपने संबंध को उस देश के साथ खराब करे, ये भी एक अपने आप में बहुत ही बड़ा बेवकूफी होता है। और साथ में कुछ यूएस यही चाहता है कि पूरे दुनिया उस देश के साथ मुंह मोड़ ले जिन देश के साथ यूएस के संबंध अच्छे ना हो। उसके बाद क्या है कि कुछ ऐसे देश शुरू से रहे हैं जो किसी भी तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको ये मालूम था कि यूक्रेन को वॉर में पुश करने के पीछे का जो एक सबसे बड़ा वजह है या एक देश है वो यूएसए ही है। तो यहाँ पे जो कहने का मतलब है वो ये है कि यूएसए अपना मकसद को साधने के लिए यूक्रेन को आगे कर दिया। इनिशियल डेज में कुछ वेपन्स वगैरह भेज दिए गए, और साथ में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी उतना बड़ा बेवकूफ कि वो यूएस के मकसद को साधने के लिए निकल गए। इस प्रोसेस पे नो डाउट कुछ ऐसे भी यूरोपियन कंट्रीज थे जो इनिशियल डेज में यूक्रेन को सपोर्ट किए, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे वैसे वो अपना सपोर्ट को पीछे करना शुरू कर दिए। और आज के डेट में तो हाल ये है कि बहुत सारे देश ओपनली अब रशिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं बिना किसी थ्रेट या बिना किसी सैंक्शन के डर का। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।